नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग का चटपटी भाजा बनाना बताऊंगी। खाने में खूब टेस्टी लगेगा, मजेदार लगेगा और बारिश के दिन में ये सब खाने को बहुत इच्छा भी करता है। इसे बनाने में कम समय में ही आपका चटपटी भाजा बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक पाव चावल का भुजा, थोड़ा सा बादाम मैं भूज ली हूँ, इसे चना का भुजा, उसके बाद में काला नमक भुजिया और इस चने को मैंने उबाल लिया है और जीरा पाउडर, लाल मिर्च, उसके बाद चाट मसाला, उसके बाद काला नमक और सादा नमक, प्याज, हरा मिर्चा, धनिया और एक टमाटर, इसे मैं काट लेती हूँ। उसके बाद मैं भाजा बनाना स्टार्ट करूँगी। अब मेरा टमाटर कटा चुका और इसे मैं अब भाजा बनाना स्टार्ट करूंगी। एक टमाटर इसको मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। अब चावल का भुजा है, इसमें मैं प्याज को डालूंगी, हरा मिर्चा, धनिया पत्ता, टमाटर, उसके बाद चना का भुजा, उबाला हुआ चना, सादा नमक, काला नमक, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और उसके बाद में भुना हुआ धनिया और लाल मिर्च, और इसको मैं मिला लेती हूँ। तो उसके बाद में मैं इसे बादाम को डालूंगी। अब देखिए मेरा भाजा बनकर तैयार हुआ, पूरा मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। देखने में कितना टेस्टी दिखाई दे रहा है और खाने में कितना अच्छा लगेगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। अब इसे मैं बादाम को डाल देती हूँ, उसके बाद में मैं 2 चम्मच तेल, और इसे मैं पूरी तरह से अच्छी से मिला लेती हूँ। बरसात के दिन में ये सब खाने के लिए चटपटी बहुत इच्छा करता है और इसे बनाने में टाइम भी नहीं लगता है। इसे आप लोग चटपट बनाइए और चटपट लेकर खाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा चटपटी भाजा बनकर तैयार हुआ। इसे ऊपर से भुजिया भी आप डाल दीजिए। और देखिए मेरा भाजा बनकर तैयार हुआ। यह भाजा आप लोगों को कैसा लगा, इसे आप लोग जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोगों को मेरा सपोर्ट का जरूरत है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। इसे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।